जय जवान जय किसान सेवा संगठन ने कार्यकर्ताओं की जनसभा आयोजित की, जिसमें संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व संगठन के संस्थापक सीताराम भारद्वाज के लिए आगामी चुनावों में जीत की हुंकार भरी। माता मंडियारी मंदिर सोहारी के प्रांगण में एकत्रित 500 कार्यकर्ताओं ने सीताराम भारद्वाज के कांग्रेस से निष्कासन और स्वार्थ की राजनीति करने वाले विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। सीताराम भारद्वाज के प्रदेश सचिव पद से बिना किसी नोटिस के निष्कासन को टिकट काटने का विधायक का डर व बौखलाहट करार देते हुए संगठन ने एक स्वर में कहा कि भ्रष्ट व षड्यंत्रकारी नेताओं को अब बड़सर से बाहर निकाल कर ही दम लिया जाएगा। संगठन के प्रधान जगत राम शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर कृपा राम ने एक बार स्वर में कहा कि सीताराम अब तक कमल की तरह कीचड़ में धंसे हुए थे, लेकिन जैसे कमल कीचड़ से बाहर आकर मंदिर में स्थान लेता है, उसी तरह सीताराम जी ने बड़सर की जनता के दिलों में स्थान लिया है। सीताराम भारद्वाज ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, षड्यंत्रकारियों को जवाब जनता देगी और भ्रष्टाचारियों को शोक मैं करूंगा। सीताराम भारद्वाज ने कहा कि बड़सर में तबदला उद्योग, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया भ्रम पर है और यहाँ का नेता जनता को शिलान्यासों से गुमराह करने में व्यस्त है। सीताराम भारद्वाज ने कहा कि बड़सर पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की मलमत, सुविधाओं व जरूरतों से जूझ रहा है व नेता अपनी कोठी व होटल बनाने में व्यस्त रहे। मेरी जनसेवा, गरीब का उत्थान करना इन्हें स्वार्थ लगता है और अपनी संपत्ति और भ्रष्टाचार से कमाया धन दिखाई नहीं देता। इस अवसर पर सीताराम भारद्वाज के संगठन ने तलवार भेंट की व मालाओं से लाद दिया गया। सीताराम भारद्वाज ने 1600 परिवारों से संयुक्त संगठन का आभार जताया और कार्यकर्ताओं में लोगों को जोड़ने का आह्वान किया।